Good evening, everyone, and welcome back to Byju's Exam Prep. Welcome back to Byju's Exam Prep. और आज जो बारी है हमारी, वो है साइंटिस्ट और डिस्कवरीज और इन्वेंशन से रिलेटेड. तो यहाँ पर आज जो भी हम बातें करेंगे, दैट विल बी रिगार्डिंग द साइंटिस्ट, इन्वेंशंस एंड द डिस्कवरीज. क्योंकि आपको पता है कि हर बारी एक सवाल तो पूछा जाता है, हर बारी एक सवाल आपका पूछा जाता है कि भाई किसी साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए या फिर उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड नाम बता दीजिए. इट इज बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जाम, राइट? सो हम आज यही करने वाले हैं. हम आज पूरा, मतलब वो जो एक क्वेश्चन है ना, जो कि केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड साइंटिस्ट डिस्कवरीज और इन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आज का ये पूरा सेशन उसी पर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं. तो यहाँ पर हम राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग विल बी डूइंग द क्विज. लेकिन शुरू करने से पहले आई जस्ट वेलकम वंस अगेन एवरीवन टू द सेशन. अब है अनुष्का, राजदीप, गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग अंशिका, शैली एंड हूज दिस इज. गुड इवनिंग महिपाल, मुदित. गुड इवनिंग वानी. गुड इवनिंग एवरीवन. तो इस सेशन में हम अराउंड 23-24 डिस्कवरीज देखेंगे एंड लास्ट में एक छोटा सा ट्विस्ट होगा. फॉर दैट यू हैव टू एनालाइज होल ऑफ दिस सेशन, ठीक है? तो गेट रेडी फॉर दैट स्मॉल ट्विस्ट एट द एंड. लेकिन इससे पहले हम जल्दी से करेंगे वो जो भी हमारे पास 24-25 जो भी हमने यहाँ पर डिस्कवरी साइंटिस्ट से रिलेटेड क्विज रखे हुए हैं. तो गेट रेडी, यू हैव टू आंसर फास्ट. एक के बाद एक हम करते चलेंगे. ओके, गुड इवनिंग रियांका, गुड इवनिंग वर्षा, गुड इवनिंग अनुष्का सिंह, गुड इवनिंग. चलिए तो शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं भाई अपकमिंग एंड ऑन गोइंग कोर्सेस जो सितंबर में है. तो सबसे पहले तो भाई मिशन सीडीएस 2 2021, ये क्रैश कोर्स है और इसका नया कोर्स शुरू हो चुका है, नया बैच शुरू हो चुका है 16 सितंबर से. अब क्रैश कोर्स की बारी आ गई, यही दिमाग में घंटी बजा देती है कि भाई अब एग्जाम पास है. विद दिस मिशन सीडीएस 2 2021 ओटीएस स्पेशल, दैट इज ऑल्सो अ क्रैश कोर्स और इसका नया बैच भी शुरू हो चुका है 16 सितंबर से. देन उड़ान एक फाउंडेशन कोर्स है फॉर एफकैट 1 2022 और इसका नया बैच आ रहा है 30 सितंबर से. इसके अलावा वी हैव शौर्य सीएपीएफ 2022 फाउंडेशन कोर्स फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ और इसका नया बैच आ रहा है 23 सितंबर से. एंड देन वी हैव एसएसबी इंटरव्यू मास्टर कोर्स जिसका नया बैच शुरू होने वाला है 21 सितंबर से. अब आपको क्या करना है, आपको इन सभी कोर्सेज में अगर इनरोल होना है, यू डोंट हैव टू पे सेपरेटली. आपको केवल ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में इनरोल होना है. आप 3+1 मंथ्स पास ले सकते हैं, आप 6+3 मंथ्स पास ले सकते हैं, आप 12+6 मंथ्स पास ले सकते हैं. स्पेशल ऑफर है. तो डोंट फॉरगेट, सेप्टेम्बर स्पेशल सेल इज गोइंग ऑन. आपको केवल इस्तेमाल करना है एक्स्ट्रा 50 कोड, आपको केवल एक्स्ट्रा 50 कोड का इस्तेमाल करना है एंड यू विल बी गेटिंग फ्लैट 10% ऑफ और उससे बड़ी बात 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी. तो अभी तक अगर आपने ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल नहीं किया है, गो फॉर इट, अ गुड ऑफर, एक्स्ट्रा 50. गुड इवनिंग नितीश, गुड इवनिंग हैप्पी. पहले तो गुड इवनिंग कहने दो भाई. चलिए शुरू करते हैं. पहला सवाल, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन डाल्टन, एंटोइन लेवोइजियर, जोन्स जेकब बर्जीलियस या फिर रॉबर्ट डॉयल. आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, रिमेंबर, टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर जरूर देते रहिएगा. गुड इवनिंग बीके शर्मा,
पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बिल्कुल सही आंसर है, आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में से एक है। यस ज्योति गिरी, अर्नब दे गिव द क्वेश्चन नंबर, नीतीश यू ऑल्सो, यस विद्या करेक्ट आंसर, अभय, शाली, मितेश करेक्ट आंसर। द राइट आंसर हियर इज जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, ये जॉन डाल्टन की पिक्चर है। तो इन्होंने पहली बार एलिमेंट्स के लिए सिंबल इंट्रोड्यूस किए थे, इनके इस तरह से पिक्टोरियल सिंबल्स हुआ करते थे। लेकिन जो आज के डेट में हम सिंबल यूज करते हैं, जो कि एलिमेंट के नेम का फर्स्ट या फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर्स से होता है, वो बर्जीलियस ने दिया था। लेकिन इंट्रोड्यूस पहली बार सिंबल्स को जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें यह कहा गया कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट की ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। ये किस साइंटिस्ट ने कहा? डिमिट्री मेंडलीव, हेनरी मोजले, जे जे थॉम्सन या फिर आर्नेस्ट रदरफोर्ड? ये स्टेटमेंट किसने दी? इज इट याई फबा, राइट? तो आई होप अगली बार से आप हमेशा नजर आएंगे मुझे। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जरूर दीजिएगा, नहीं तो मुझे पता नहीं चलने वाला आप आंसर किसका दे रहे हैं। ज्योति, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सोनवीर, करेक्ट आंसर। राजदीप, खुशबू कुमारी, अनबडे, राइट आंसर। यस बी के शर्मा, अंशिका चौरसिया, आपका भी आंसर सही है। शैली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। द आंसर योर इज हेनरी मोजले। तो एटॉमिक वेट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये कहा था मेंडलीव ने, लेकिन फिर 1913 में इन्होंने डिक्लेयर किया, हेनरी मोजले ने, कि नहीं जी, एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, और जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बस अब उसी पर बेस्ड है कि वहां पर सभी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। अगले सवाल पर आते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस इज एसोसिएटेड विद व्हाट? जेबी प्रिस्ले, लेवोइजियर, कैवेंडिश या फिर रैमसे? इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी को हम किस साइंटिस्ट के साथ एसोसिएट करते हैं? प्रिस्ले, लेवोइजियर, कैवेंडिश या फिर रैमसे? आई कैन ओनली टेल यू याई फबर दैट आज हम 6:30 बजे मिल रहे हैं, कल हम मिलेंगे 2 बजे। ओके, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ज्योति गिरी, सोनवीर सिंह, राइट आंसर। यस विश, करेक्ट आंसर। अर्साला, करेक्ट आंसर। विद्या, आपका भी आंसर करेक्ट है। राजीव कुमार, करेक्ट आंसर। नीतीश रंजन, अंशिका, बी के शर्मा, करेक्ट आंसर। हेलो हिमांशु, गुड इवनिंग। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे इतने सही आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे, बट वेरी गुड। यस, सर विलियम रैमसे, जो कि ब्रिटिश फिजिकल केमिस्ट थे, और इन्होंने नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन, इन चारों नोबल गैसेस को डिस्कवर किया था, और इसके लिए इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ध्यान से देखिएगा इस सेशन को, क्योंकि लास्ट में एक ट्विस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए। रूपाली, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, केनाल रे एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स, और परफॉर्म किसने किया था? जे जे थॉम्सन, चैडविक, रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन ने? क्वेश्चन नंबर 4, केनाल रे एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ व्हाट एंड व्हिच साइंटिस्ट एक्चुअली परफॉर्म्ड दिस एक्सपेरिमेंट? क्वेश्चन नंबर दीजिए, क्वेश्चन नंबर। करेक्ट आंसर ज्योति गिरी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यस खुशबू, आपका भी आंसर सही है यहाँ पे। अर्नब डे, राइट आंसर। रूपाली, क्वेश्चन नंबर बताइए मुझे। यस नितेश रंजन, करेक्ट आंसर। एंड राजदीप शर्मा, खुशबू कुमारी, आपका भी आंसर सही है। अंशिका, करेक्ट आंसर। द राइट आंसर हियर इज प्रोटॉन। केनाल रे एक्सपेरिमेंट से दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और ये परफॉर्म किया था ई गोल्डस्टीन ने।
गोल्डस्टीन ने, जिसमें कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का ये इस्तेमाल किया गया, लेकिन ऑपोजिट साइड में रेज देखी गई, कैनाल रेज, जिनको आप एनोड रेज भी कहते हैं, एनोड रेज भी कहते हैं, दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ई गोल्डस्टीन. अगले सवाल पर आते हैं. फिफ्थ डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है, सॉलिड, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या फिर प्लाज्मा. फिफ्थ डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर, इज इट सॉलिड, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, प्लाज्मा या फिर लिक्विड. करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर ज्योति गिरी, सोनवीर सिंह, खुशबू कुमारी, शैली, राइट आंसर. यस अभय, वर्षा, करेक्ट आंसर. विद्या, आपका भी आंसर सही है. अंशिका, राइट आंसर. तो यहां पर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, दैट इज बीईसी, इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. सो बेसिकली इसके लिए जो कैलकुलेशन की थी वो इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी, जिस पर बेस्ड आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था कि भाई देयर विल बी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसके 70 साल बाद कॉर्नेल वीमेन एंड कैटली ने 1995 में बीईसी को अचीव किया, जिसके लिए 2001 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था फिजिक्स फील्ड में. हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मार्कोनी, विल्सन, थॉमसन या इनमें से कोई भी नहीं. क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप किन साइंटिस्ट को रिलेट करेंगे यहां पे. बिल्कुल सही वाणी, बिल्कुल सही, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपने गलत दिया हुआ है. ज्योति करेक्ट आंसर, सोनवीर राइट आंसर, शैली करेक्ट, अभय, अंशिका करेक्ट आंसर, विद्या, खुशबू, याइफबार राइट आंसर. द राइट आंसर हियर इज जे जे थॉमसन. ये तो सबको पता है भाई, है ना. सो 1897 में जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को बाय द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, मैरी क्यूरी ने कौन से दो एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे विद हर हस्बैंड पियर क्यूरी, उनसे उनके साथ मिलकर कौन से दो एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, पोलोनियम एंड रेडियम, रेडियम एंड स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम या एंड रेडॉन या फिर रेडॉन एंड पोलोनियम. दो एलिमेंट्स जो मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किए. क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सही आंसर आपका सोनवीर सिंह, राइट आंसर ज्योति गिरी, करेक्ट आबद खान, विद्या आपका भी आंसर सही है, विश करेक्ट आंसर, शैली, अभय, अर्साला करेक्ट आंसर. द राइट आंसर हियर इज पोलोनियम एंड रेडियम. तो मैरी क्यूरी ने पहली चीज रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर नहीं की थी, इन्होंने ये टर्म दिया था रेडियो एक्टिविटी नाम का, और इन्होंने पोलोनियम और रेडियम को डिस्कवर किया था. पोलोनियम का नाम ही पड़ा पोलोनियम टू ऑनर हर होमलैंड, शी वाज पोलिश, शी वाज फ्रॉम पोलैंड, तो उनके होमलैंड को ऑनर करते हुए उस एलिमेंट को पोलोनियम नाम दिया गया. इनको एक नहीं दो बारी नोबेल प्राइज मिला, एक बार फिजिक्स में, दूसरी बार केमिस्ट्री में, and she was the first woman to win the Nobel Prize. I think everybody knows this. Okay, coming to question number 8, Henry Becquerel ka naam kis cheez ki discovery se associated hai, kis discovery se, genetics, radioactivity, inductance ya fir conductivity. Henry Becquerel, question number 8. Henry Becquerel was associated with the discovery of, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आबद खान, सोनवीर सिंह, ज्योति गिरी करेक्ट आंसर, शैली आपका भी आंसर सही है, अंशिका चौरसिया राइट आंसर, खुशबू कुमारी, असीम सिंह करेक्ट आंसर, वर्षा, पीयूष करेक्ट आंसर.
द राइट आंसर हियर इज रेडियो एक्टिविटी. हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी, जिसके लिए 1903 में इनको नोबेल प्राइज अवॉर्ड किया गया था. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंगस फ्रॉम पेनिसिलियम जीनस. आई मीन सिंपल सी चीज है भाई, एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया? लुई पास्टर, सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टैनले प्रिजनर या फिर रॉबर्ट हुक? राजीव, अगर आपको सिंपल लग रहा है तो भाई डेफिनेटली यू विल बी थ्रू सीडीएस. दैट्स ऑल आई कैन से. नाइन्थ करेक्ट आंसर सोनवीर सिंह, यस आबिद खान, अंशिका चौरसिया, ज्योति गिरी, खुशबू कुमारी, शैली करेक्ट आंसर, विनय कुमार राइट आंसर, विद्या आपका भी आंसर सही है, विश राइट आंसर, प्रियंका करेक्ट आंसर. तो भाई यहाँ पर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द राइट आंसर, जिन्होंने पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जी डिस्कवर किया था. कहाँ से? एक फंगस से एक्सट्रैक्ट किया था, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम. सो एंटीबायोटिक इज समथिंग विच वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. वैक्समैन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन या फिर क्लोरोमाइसिटी. वैक्समैन को नोबेल प्राइज किस चीज की डिस्कवरी के लिए दिया? सारे एंटीबायोटिक हैं, आपको ढूंढना है वैक्समैन ने कौन सी एंटीबायोटिक डिस्कवर की जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला. क्वेश्चन नंबर 10. राइट आंसर सोनवीर सिंह, करेक्ट आंसर आबिद खान, विद्या राइट आंसर, यस ज्योति गिरीश, शैली करेक्ट आंसर, अंशिका आपका भी आंसर सही है, हुसैन प्लीज गिव द क्वेश्चन नंबर, अभय राइट आंसर, यस वी के शर्मा करेक्ट आंसर, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन. सो सेल्विन वैक्समैन, जिनको 1952 में स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज अवॉर्ड किया गया था. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11. 1962 में मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड डिस्कवरी के लिए फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन के साथ और किसको नोबेल प्राइज दिया गया? एडविन चारगाफ, मॉरिस ह्यूब, फ्रेडरिक विल्किंस, रोजालिन फ्रैंकलिन या फिर फीबस लिविंग. 1962 में न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के एलुसिडेशन के लिए क्रिक एंड वॉटसन के साथ और किसको नोबेल प्राइज दिया गया? क्वेश्चन नंबर 11. एंड आई एम गेटिंग द राइट आंसर फ्रॉम सोनवीर सिंह, आबिद खान, करेक्ट आंसर वर्षा, मान सिंह, एनसीईआरटी साइंस के लिए क्लास 9th एंड 10th एनसीईआरटी, दैट्स इट. खुशबू कुमारी राइट आंसर, यस अंशिका, ज्योति गिरी, शैली, जयंत भाई यहाँ पे तो हर कोई सही आंसर दे रहा है, नितेश करेक्ट, यस श्रियंका, अमृता सिंह करेक्ट आंसर, द राइट आंसर हियर इज विल्किंस. सो क्रिक वॉटसन के साथ फ्रेडरिक विल्किंस को 1962 में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन अवार्ड किया गया था रिलेटेड टू देयर वर्क ऑन द एलुसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए एंड आरएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड. ओके, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर. रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किस चीज की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस या फिर हीलियम? बहुत ही आसान सवाल है. रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किस चीज की खोज हुई? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूक्लियस की या फिर हीलियम की? क्वेश्चन नंबर 12. इसमें तो मुझे लाइन से एकदम सही आंसर मिलने चाहिए. करेक्ट आंसर विश, सोनवीर, ज्योति गिरी, खुश, ओके खुशबू चेक योर आंसर, यस दीपा ज्योति, मितेश करेक्ट आंसर, करेक्ट अनुराग सिंह, जैन शर्मा, अंशिका करेक्ट आंसर, यस सोनवीर सिंह करेक्ट. द आंसर योर इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की खोज की हुई थी रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से. तो इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूड किया कि जो भी एटम का मास है और पॉजिटिव चार्ज है
वो सारा एक छोटे से रीजन में, सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला, किस चीज के लिए मिला? रिलेटिविटीज पे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पे, मास एनर्जी इक्विवेलेंस पे, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे? क्वेश्चन नंबर 13। नहीं जी आबिद खान, नहीं, प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन का था, वो न्यूक्लियर मॉडल था जो रदरफोर्ड का मॉडल है। करेक्ट आंसर सोनवीर सिंह। यस अनुराग सिंह, आपका भी आंसर सही है। ज्योति गिरी राइट आंसर। अभय प्रताप करेक्ट आंसर। दिव्य ज्योति राइट। यस राजदीप शर्मा, बीके शर्मा, मितेश करेक्ट आंसर। यस शैली, आपका भी आंसर सही है। द आंसर इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था, जो कि इन्होंने 1922 में, एक साल बाद, रिसीव किया था। सो ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क टू एक्सप्लेन बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल? इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लुविन हॉक, या फिर रडॉल्फ वर्चो? सेल किसने डिस्कवर किया? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर, यस आबिद खान करेक्ट आंसर। यस बी के शर्मा, अभिषेक शर्मा, दिव्य ज्योति करेक्ट, माइक राइट आंसर। यस अनुराग सिंह, ज्योति गिरी करेक्ट आंसर, वर्षा आपका भी आंसर सही है, मितेश राइट आंसर। द राइट आंसर इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया? रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, या फिर रडोल्फ वर्चो? सिंपल माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया? क्वेश्चन नंबर 15। करेक्ट सिंपल माइक्रोस्कोप। राइट आंसर खुशबू कुमारी, करेक्ट आंसर दिव्य ज्योति, राइट सोनवीर, करेक्ट आंसर असीम सिंह, अंशिका, अंशिका चेक योर आंसर, विश राइट आंसर, अभिषेक शर्मा, खुशबू कुमारी, ज्योति गिरी राइट आंसर। यस एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक जिन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने पहली बार अपने सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से लिविंग सेल्स देखे थे। इन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोआ देखा था, है ना, जिसको इन्होंने नाम दिया था एनिमल क्यूल्स, एंड देन मेनी इयर्स लेटर ही आल्सो सॉ बैक्टीरिया एंड स्पर्म आल्सो अपने उस सिंपल माइक्रोस्कोप से। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे, कार्ल लेंस्टीनो, विलहेम एंथोवेन, या फिर हिपोक्रेट्स? ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया, किसने बताया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में? क्वेश्चन नंबर 16। और करेक्ट आंसर अंशिका, आप लोगों ने क्वेश्चन पहले देख लिया था, है ना? यस आबिद खान राइट आंसर। हेलो यस करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर एस्पायरेंट राइट आंसर। रियांका आपका भी आंसर सही है। यस अंशिका राइट आंसर। तो यहां पर हमारा आंसर होगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो कि किंग जेम्स वन, मतलब उस टाइम जो इंग्लैंड के किंग हुआ करते थे, उनके पर्सनल फिजिशियन थे। तो इन्होंने पहली बार बताया कि भाई ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ हार्ट देयर। ठीक है, उससे पहले ये समझा जाता था कि भाई ब्लड को बॉडी फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रही है और हर बारी नया ब्लड लीवर बना रहा है, ऐसा सोचते थे डॉक्टर्स। लेकिन बाद में विलियम हार्वे ने ये प्रूव किया, नहीं जी सर्कुलेशन काम होता है ब्लड का, ब्लड कोई नया नहीं बन रहा है, यहां पर बार बार सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में। ओके कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17। वैक्सीन सक्सेसफुली किसने डिस्कवर किया? कासिमिर फंक, एलेक जेफरीज, विलियम बेलिस, या फिर एडवर्ड जेनर? सक्सेसफुली वैक्सीन किसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया?
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, माइक रिलेटेड टू द डिस्कवरीज, डेफिनेटली इन्वेंशंस, राइट, बिल्कुल सही। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि कोई गलत आंसर देगा और मुझे एकदम सही आंसर मिल रहे हैं। द आंसर हियर इज एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज की थी, इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डेवलप की, एंड फॉर दैट जब इन्होंने अपना आइडिया प्रेजेंट किया था तो रॉयल सोसाइटी ने भाई काफी रेवोल्यूशनरी इनका आइडिया माना कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है कि काउ पॉक्स के इनोकुलेशन को डालना किसी पेशेंट में। सो ही इवन ट्राइड दिस थिंग ऑन हिज ओन 11 मंथ ओल्ड सन ऑल्सो, बट लेटर इसको अप्रूवल मिला एंड वैक्सीन टर्म आया। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, हु इल्यूसिडेटेड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? एलेक्स जेफरीज, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रेक, मार्शल नीरनबर्ग एंड हेनरिच जे मेथे, या फिर हॉफमिस्टर? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को किसने एक्सप्लेन किया, किसने इल्यूसिडेट किया? क्वेश्चन नंबर 18, हम ऐसे ही क्वेश्चन एक बार पहले कर चुके हैं तो मैं यहाँ पर सही आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बिल्कुल सही, अबद खान, अनुराग सिंह, अंशिका, बीके शर्मा, जयंत शर्मा, करेक्ट आंसर विश, यस द आंसर हियर इज वॉटसन एंड क्रिक। तो जो मिशर थे, फ्रेडरिश मिशर, इन्होंने डीएनए को सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद एवरी एंड उनके कलीग, ऑसवाल्ड एवरी एंड उनके कलीग्स ने ये प्रूव किया कि भाई डीएनए इज द लाइफ्स जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो पास ऑन होता है। फिर 1952 में रोजालैंड फ्रैंकलिन ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। शी कैप्चर्ड द एक्सरे इमेजेस ऑफ द डीएनए, जिसके कारण स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प मिली। और उसके एक साल बाद वॉटसन एंड क्रिक ने पूरे डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 19, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय लीनियस, बेंथम एंड हुकर, विटेकर या फिर एरिस्टोटल? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? लीनियस, बेंथम एंड हुकर, विटेकर या फिर एरिस्टोटल? क्वेश्चन नंबर 19, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आज के डेट में हम इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर अंशिका, वेरी गुड, यस आबिद खान, राइट आंसर, दिवज ज्योति विश, राइट आंसर, राजदीप शैली, करेक्ट आंसर, नचिकेत, करेक्ट, यस सोनवीर सिंह, द राइट आंसर हियर इज आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने किंगडम फंजाई को इंट्रोड्यूस किया था। सो बेसिकली प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड बैक्टीरिया, दे आर द फाइव किंगडम्स। तो सारे ऑर्गेनिजम्स को हम इन पांच किंगडम्स में क्लासिफाई करते हैं। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किसने परफॉर्म किया था? क्रिस्टियन बर्नार्ड, नॉर्मन शम्वे, डेनियल हेल विलियम्स एंड डेनियल विलियम्स, या फिर अलेक्जेंडर एस वीनर एंड कार्ल लैंडस्टेनर ने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन? क्वेश्चन नंबर 20, यस सोनवीर सिंह, करेक्ट आंसर। हम लोग देखा रहे कि सब एक दूसरे के सी 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 मार्क कर रहे हैं, मुझे बस एक ही आंसर सोनवीर सिंह से करेक्ट मिला, यस आगमन, करेक्ट आंसर। तो भाई दैट्स क्रिस्टियन बर्नार्ड, जिन्होंने वर्ल्ड में पहली बार ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म किया, एंड साउथ अफ्रीकन डॉक्टर, 1967 में साउथ अफ्रीकन डॉक्टर केप टाउन में किया the first human heart transplantation. So it was A, not C. चलिए next one, question number 21, cell theory किसने दी? Robert Hooke, Schleiden and Schwann, Schimper या फिर Robert Brown? Cell theory किसने दी? Question number 21, नहीं जी aspirin, नहीं, बिल्कुल नहीं, but expected questions, कुछ है इनमें से कुछ नहीं है।
नॉट ईच ऑफ देम बट मैक्सिमम अमित, मैक्सिमम। यस अनुराग सिंह, राजदीप शर्मा, वेश करेक्ट आंसर। यस अंशिका चौरसिया, आपका भी आंसर सही है। यही फबर राइट आंसर। यस चमन साहू, आपका भी आंसर सही है, दैट इज श्लीडन एंड श्वान। तो सेल थ्योरी श्लीडन और श्वान ने दी थी, जिसको मॉडिफाई किसने किया? रेडोल्फ वर्चो ने। जिसको मॉडिफाई किसने किया? रेडोल्फ वर्चो ने। तो इन्होंने जो एक्स्ट्रा पॉइंट वहां पे ऐड किया था कि भाई जो भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। ओके, सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 22। वायरस किसने डिस्कवर किया? डिमिट्री वानोस्की, मार्टिनस बेजरिंग, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? वायरस किसने खोज की, वायरस की खोज? गुड इवनिंग लड्डू गोपाल, गुड इवनिंग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22। करेक्ट आंसर अनुराग सिंह। ओके, सो यस चमन साहू, आपका भी आंसर सही है। सो द राइट आंसर हियर इज डिमिट्री इवानोव्स्की, जो स्टडी कर रहे थे टोबैको के, टोबैको मोजाइक डिजीज। तो इन्होंने उसकी स्टडी के दौरान पता लगाया कि भाई द कॉजिंग ऑर्गेनिज्म वाज द कॉजिंग पैथोजन वाज वायरस, तो जिसको कहा गया टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। तो डिमिट्री इवानोव्स्की जो कि रशियन साइंटिस्ट थे। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23। विटामिंस वर डिस्कवर्ड बाय एलेक जेफरीज, विलियम एंथोवेन, सीवॉल्ड राइट या फिर सी फंक? विटामिंस की खोज किसने की? विटामिंस वर डिस्कवर्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 23। राइट आंसर, राइट आंसर अनुराग सिंह, अंशिका चौरसिया, शैली, आपका भी आंसर सही है। बस खत्म होने वाला है श्यामा, बस खत्म होने वाला है। यस बी के शर्मा, राइट आंसर, दैट इज सी फंक, सी फंक, कासिमिर फंक। तो पहली बार हमने सोचा वाइटल अमीन्स हैं ये, धीरे धीरे इसका नाम बाद में क्या रख दिया गया, वाइटमिन। तो इसकी डिस्कवरी की थी 1911 में कासिमिर फंक ने। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट विटेकर या इनमें से कोई भी नहीं? न्यूक्लियस, केंद्र, जो सेल का न्यूक्लियस है, एटम का नहीं। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट विटेकर या नन ऑफ देम? क्वेश्चन नंबर 24। बिल्कुल सही अनुराग सिंह, देवा ज्योति राइट आंसर, राजदीप, अंशिका, नचिकेत करेक्ट आंसर, यस ज्योति गिरी करेक्ट, इंद्राशीष, यस अरसाला राइट आंसर, चमन साहू आपका भी आंसर सही है। सो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को 1833 में। एंड नाउ गेट रेडी फॉर द ट्विस्ट, सो आई होप एवरीबॉडी इज रेडी फॉर द ट्विस्ट। तो मैं फिर शुरू करूं, पहला सवाल से यस, देन ओनली आई विल गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। ठीक है, हेलो हेमंत, गुड इवनिंग। हाँ जी, तो शुरू करें, इफ यू आर रेडी फॉर द ट्विस्ट। ओके ओके ओके, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं कुछ नहीं बोल रही, आपके सामने क्वेश्चन है एंड यू डिसाइड व्हाट शुड बी द आंसर, ए बी सी डी, इनमें से क्या आंसर होना चाहिए। आई एम नॉट रीडिंग द क्वेश्चन, आपके सामने है, आप डिसाइड करिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी डी।
क्या बात है गुड्डू राजपूत, बड़े स्मार्ट निकले आप तो। दिव्यज्योति, वेरी गुड। यस मितेश, वेरी गुड, राइट आंसर। अंशिका, आपका भी आंसर सही है। नचिकेत, करेक्ट आंसर। अंशिका, करेक्ट आंसर। ज्योति गिरी, राइट आंसर। जी, ये पिक्चर है रामसे की, सो विलियम रामसे, जिन्होंने नोबल गैस की डिस्कवरी की थी, जिन्होंने नोबल गैसेस की डिस्कवरी की थी। तो दिस पिक्चर वाज ऑफ रामसे। तो मैंने कहा था आपको ध्यान से देखिएगा पूरी स्लाइड्स को, क्योंकि लास्ट में आपको उस पर ट्विस्ट मिलने वाला है। चलिए एक और क्वेश्चन। इफ यू आर रेडी से यस, देन आई विल गिव यू। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ जी श्यामा, बिल्कुल सही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है तो बताइए। ओके, सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कवर्ड बाय ए बी सी डी। आई एम अगेन नॉट रीडिंग द क्वेश्चन, आप खुद देखिए एंड डिसाइड। डिस्कवर्ड बाय, अरे एस्पायरेंट जी, थोड़ा सा तो ट्विस्ट बनता है। बिल्कुल सही अनुराग सिंह, दिवर ज्योति, राइट आंसर। स्वयं अंशिका, भाई ये तो सब पहचान गए, क्या बात है। चमन साहू, हुसैन, करेक्ट आंसर। नितेश रंजन, स्लीपी वर्ल्ड, राइट आंसर। यस हीना, तो लड्डू गोपाल जी पिक्चर याद नहीं करना था, लेकिन हाँ आपके बैक ऑफ माइंड में, मतलब केवल सिंपली ये नहीं कि क्वेश्चन देखते जा रहे हैं, कितना आप आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, दैट आल्सो मैटर्स, है ना। कि सिंपली ऐसा तो नहीं बस क्वेश्चन रीड कर रहे हैं आंसर दे रहे हैं। ओके, सो यस यस यस, मोस्ट ऑफ यू आर राइट। मोस्ट क्या, मैं कहूंगी 99% पीपल गिव द राइट आंसर हियर। ए, कैसिमिर फंक हु डिस्कवर्ड विटामिंस। वेरी गुड वेरी गुड, इफ यू एनालाइज द पिक्चर ऑल्सो विद द क्वेश्चन, दैट्स रियली गुड। दैट वॉज ओनली द टू क्वेश्चन। बहुत लोग डर गए हैं, रो रहे हैं कि मैम पिक्चर वाला क्वेश्चन मत दो मत दो। सो ठीक है भाई, दीज वर द ओनली टू क्वेश्चन। तो थैंक यू एवरी वन, दिस वॉज ऑल फॉर टूडे। हमने जितना हो सकता था ना, चांसेस थे जिस जिस क्वेश्चन के पूछे जाने के, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड डिस्कवरीज की, वी एक्चुअली डिड लॉट ऑफ द आउट ऑफ देम। ओके लोपा, ओके आई रिमेम्बर इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। एंड हियर इज द मैसेज ऑफ द डे। इट्स इम्पॉसिबल, सेड प्राइड। इट्स रिस्की, सेड एक्सपीरियंस। इट्स पॉइंटलेस, सेड रीजन। गिव इट अ ट्राई, विस्पर्ड द हार्ट। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।